अरे चाचा तन जंगल फिर के आयो, पेट में मरोड़ सी मार रही। ओह नो, मरोड़ तो उल्टा सीधा खाने से बन गई होगी। पर ये मरोड़ हमारे गेहूं में तो ना मिटाया आया तू? ना ना चाचा, पर गड्ढे में गयो। अच्छा गड्ढे लान में गयो, हम पे ना चढ़ो। जा भैया एक फेरे उतरे पीछे, गहराई ज्यादा है उनकी। फिर यो कैसे बैठी हो? अरे चाय पीने को आया हूँ मैं। तेरी चाची और अमन तो गए न्यार लेने को, अंशु गई है स्कूल। अब चाय की हिड़क मार रही, मैं सोच रहा हूँ यहीं पी जाऊं। तारे सहारे तो मैं भी पी लूंगा चाय। पिए बैठा हूँ मैं तो, पी ली मैंने। तो फिर चलूं मैं तो, घर ही चल के पी लूंगा। हाँ यू बढ़िया, यू बढ़िया, घर ही लगवा लीजिए दूध में पत्ती। रुक जा भी, रुक गया ना। आ, गया गया ला। हराम की प्याद हुई नन्ने। हमें कई कई भैंस बन रही है, जब भी निकलते हैं चल चाय प्याजे। तो कतई फूक ही ना, फी की प्या में चाय। बाबा 10 रुपए हो गए, 10 रुपए दे दे चाय के। 10 रुपए काय के? चाय के। ए भाई मोनू पता, परसों मैं तुम्हारे घर गया तेरे बाबा धोर बतलाने को, जब तन मो चाय पियाई, जब तो नमोगे तन मो पे पैसा। बाबा वो तो हमारा घर है। अरे तो थोड़ी देर को आप भी अपना घर ही समझ ले मेरे यार। यार खालिद, आजकल तेरा ध्यान मछली पकड़ने में ना, सारा दिन मोबाइल में लगा रहे, क्या है ऐसा इसमें? बे मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रोबो ऐप पे पैसे कमा रहा हूँ। प्रोबो, ये क्या होता है भैया? मैं भैया प्रोबो भारत का पहला ओपन इंडियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें सिर्फ हार ना में जवाब देकर बड़े अमाउंट में पैसा कमाया जा सकता, वो भी बहुत आसानी से। भैया कितना कमाया तूने अभी तक? देख इधर, जैसे अभी प्रोबो पे एक सवाल आया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओडीआई मैच में हार्दिक पांड्या 3 या उससे ज्यादा विकेट लेगा, मैंने सही जवाब दिया और कमाया ढेर सारा रूपा। ए भैया ये तो बहुत अच्छी ऐप है। हाँ भैया, प्रोबो पे कई तरह की कैटेगरीज है, क्रिकेट रहा तेरा, क्रिप्टो रही तेरी, फाइनेंस रही, इंटरटेनमेंट रहा, और भी कई तरह की। अब जैसे एक सवाल आ रहा, आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई और गुजरात में कौन जीतेगा, मतलब तेरी क्या रहा? ग्रेट ऑफ ऑल टाइम महेंद्र सिंह धोनी की ना जीतेगी तो किसकी जीतेगी? अब देख तू, मैंने यस सेलेक्ट किया और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया, अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। ये पैसा निकलेगा कैसे? मैं गूगल पे यूपीआई पेटीएम से हाथों हाथ विड्रॉल कर सकता हूँ, और यही नहीं क्रिकेट के दौरान हारना में सवालों का जवाब देकर ट्रेड करके तो इंस्टेंट पैसे जीत सकता। ए यार ये तुमने पहले क्यों ना बतलाया? मैं तो अब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, हमारे डिस्क्रिप्शन से करेगा तो 25 रुपए का तुझे तुरंत बोनस मिलेगा। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो में अपना ओपिनियन देकर पैसा कमाया। देखना कांटे में हलचल होगी, दिखे मछली आगे दिखे तेरे कांटे में तो। भाई ये सुबह सा मुझे लग रहा बैठे अब बांधा बना दिखे। भैया मछली नहीं तो कुछ और ही मसला फंस गया दिख है। Oh no! मैं ये तो कच्चा यार, कोई हरामी नहाके नहीं उतार का दिख है। मैं तू ले जाइयो इस कच्चे को, है तेरे काम आ जाएगा। बे जुबेर ये लगा ले, गांव में इतने बेवकूफ पैदा हो रहे हैं ना, इन्हों से अपने कच्चा ना संभल रहे यार, दिमाग खराब कर दिया। देख ले अब ऐसा करियो, तू बैठा तो है ही ना, मैं जरा चाचा श्याम लाल के नहा हो जाऊं यार, चाय मार जाऊंगा जरा। इतना तू देखियो कोई मछली फंसा तो पकड़ियो है। कोई दिक्कत ना है, शिमालियो मछलियों को मैं ही रहूं, इतना चाचा श्याम लाल के पास हो जाऊं। काटा लग रहा, कच्चे को सुखा ले इसको धूप में, ले जाइयो काम आएगा तेरे, जाहिलों ने दिमाग खराब कर दिया।
बड़े कांटे में एक बलियान और फंस जाए ना तो मजा आ जाएगा, एक सेट बन जाएगा पूरा का पूरा। बहुत होगी मैं, आप धरवा दे बस। इतनी आई बंधवा दे मैम, ओपन चलेगी ज्यादा तो फिर वो का ट्रैक्टर भी चला होगा नहीं मैम, धर ले तो तम पे काहे को चलेगी, खाने को तो होतम। मैं तो भी बुढ़ापा आ लियो, पर तेरी जो आदत है ना लड़ने भिड़ने की, यूं नहीं जा रही। उठवाओ उठा, माँ कहा कर रही है, ए उठा माँ, माँ लगी तो ना। हराम जादे में यही मारे तेरी गल लाती न्यार को, इतना लंबा ऊँट हो रहा, तेरे हाथ पहुँच रहे तो उठवाने को लगवा दी। मैंने तो मना करी, मैं तो मोह मत ले जा, मैं तो अच्छा खासा बैट बॉल खेलने जा रहा हूँ। बाबा ली आती अपनी गल तो बढ़िया ना रह जाती, तेरी और बाबा की जोट सिम मिले, कोई सो कोई से उठवा दे तो। तेरा बाबा इतना बढ़िया होता ना तो मो ये दिन देख लेना पड़ते आज। मेरा तो अच्छा खासा रिश्ता जो बिस्नोली गांव में हो रहा है, आज देख ले बिस्नोली हर में मुआवजे मिले पड़े हैं। मेरा हंच के ब्याह हो जाता तो मेरे भी गले में सोने की मोटी चैन होती, ठाट तो हुक्का पिए करती मैं। अरे यहाँ देख ले बरसम काटनी पड़ रही है वो। माँ तू बाबा के चक्कर में फंसी कैसे ही? बेटा वाटे मकल पे पत्थर पड़ गए मेरी पे, दिमाग घुमा दिया हो या ठेने लाने। एरिमा इतने कोई गठिया उठवाने को आवे, देखो अपनी कहानी सुना दे इतना। ए जालिम चल बताऊ तू का मन है, मेरी जो बड्डी वाली बहनी ना वे तेरे बाबा ते बड्डे वाले को बिहाई भाई साहब रामलाल को। ये बात है 1961 की, तो मेरी दीदी का जो है ना लौंडा हुआ हो और उनको जापो करने को मोह आना, तो उन्होंने जो है ना तेरा बाबा भेज दिया शामू वो लेने को। अरे लुड्ढो आप यहाँ बैठी हो, मैं तो आपको आपके घर ढूंढ रहा था, फिर सासू माँ ने बताया कि आप खेतों पर हो। सासू माँ, तुम क्यों सासू माँ बोल रहे हो, वो तुम्हारे भाई की सास है, तुम्हारी थोड़ी। ओ तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद हमारी भी हो जाएंगी। कहा हो जाएंगी तेरी? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ खाने के लिए। नमक पारे है तो वैसे थोड़े ही, मैं रास्ते में खा गो थोड़े से। है इनकी कहा जरूरत ही, मैं न्यू सोच रहा हूँ मन की कुछ अच्छा करने से पहले कुछ नमकीन हो जावे। कहा अच्छा हो जावे? अरे तू मेरे गैल न चलेगी भाभी जी के पास, लाला का कुआ न पूजेगा, यू अच्छा ना है? अच्छा तो तू ऐसे कह रहे हो, अब तू झेड़ पेड़ नमक पारे न खा ले, तेरी मम्मी जो है ना वो दलिया बनायो, दोनों मिलके दलिया पियेंगे। या कोहनी में तो मो कुछ खास लगो नो, तेरे बाबा ने कहे ही मोस बिहा को। अरे लुड्डो अब तो तने देखे नमक पारे भी खा लिए, और अब मैं तो उसे जो है ना अपनी दिल की बात कह रहा हूँ, मोस बिहा कर ले देखियो। ए श्यामू तू पागल हो गो है, मैं तो उसे बिहा करूंगी, मैं तो देवानंद पसंद करूं, पहले वाके संग डेट करूंगी फिर वासु बिहा करूंगी। यू
एमा जैसा तू बता रही है वह हिसाब से तू जब देवानंद को डेट करने कह रही फिर बाबा से कैसे बात बनी था? अरे तो पता ना तेरे बाबा के बारे में कैसे कैसे उत्पात करे कर रहे हो। है माँ तू बताएगी जब इत पता लगेगी। याना घर जाके खा लिया दलिया, अब यहाँ पे झिलो नहीं, पेट में मरोड़ मारगी, तुरंत निकल गो घर तक जंगल को। अब जल्दबाजी में बोतल में पानी ले जाना फूल को, हो याद आई निकटू तो पानी लेके ही ना आयो, नहर के सहारे जैसे खड़े हुए तो पाम रिपट के नहर में बह निकलो। तीन चार गम छोड़ के गम पड़े दादरी धोरे कौन सो खिचना मसूरी हज के तेरे चाचा खालिद ना है वाके नौना मछली पकड़ रहे कांटा घेर के वाके कांटे में फंस गो वही छोड़ के गए हमारे घर। ओहो बाबा जब ही दोस्ती राख है। अच्छा अच्छा खालिद सु गहरी वाली और का फिर का हुआ माँ? हो तो कहा वह ठगिया ने मोन्यू तो बताई ना मैं पाम रिपट के गिरा वो तो कह लगा लुड्ढा मैं तो तेरी बात पे छो होके कूद आया। बस फिर मैंने अपने दिमाग तो देवानंद को खैर निकाल दिया, तेरे बाबा तो फेरे पड़ गए मेरे फिर। अरे अमन तन अपनी गणित की कॉपी दियो मो स्कूल को काम करना। अरे कोही तू दो तीन दिन सु स्कूल में भी ना गई। ए उत्ते मैं अपने मामान के गई मामा के लौंडा को बिहाओ। ए तो उत्ती खाली हाथ ही आ गई, मिठाई का डिब्बा भी तो मिला होगा तो हंसू। एमा मिठाई के तो चार ही पीस है बाकी तो बार डिब्बा में मट्ठी भर रही। यही तो धोखे चल रहे माँ आजकल, जब हौच के सुविधा करे जब हंस के पकड़ा। अरे ये आपका मिठाई का डिब्बा लीजिएगा भाई आप भूल गए हैं, और जब वहाँ घर आके खोले वहाँ मट्ठी लिखड़े हैं, पता ना वहाँ क्यों मिठाई का डिब्बा कहे। चल ठीक है अब तुम वो गणित की कॉपी दे दे, काम पूरा करना, देखियो मैडम मारेगी कल को। अरे मेरी कमर में दर्द हो रहा या हमारी दिक्कत सी बन रही है, तनिया बरसम की गठियाली वाले चल तू फिर दे दूंगा। ए उत्ते तो बावला हो रहा है मो पे यू गठिया चल रही है, कहा होगा तेरी कमर में? मेरी कमर में कहा हो रहा माँ, मेरी कमर में कहा हो रहा है सुबह आज? कहा के वो बेटा यहाँ की कमर में जो ना सिर दर्द हो रहा है सुबह ते ही। हाँ, मेरी कमर के जो है ना सिर में दर्द हो रहा है, देख अर तो कॉपी लेनी है ताजा हेड पैड ले वाले चल। आली 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 चल। अरे उत्तम हम तो भजन है बहुत। ना ना वैसी लग रही है तो झूठ मूठ की चल। माँ जी आ गए रहो तुम गिर जाओगी, एक तो थारो घूंघट ना उतर तो। ठीक हो जाएगा मेरे यार, खमो खम में घबरा रहो है। ए चाचा कैसा मनहूसियत फैलाए पड़े हो ना पे? अरे मनहूसियत कहा मेरे यार, चिंता में बैठे हैं। हट में हट इधर बैठ तू, तमीज नहीं आ रही है जरा भी है? हमारे तो कुर्सी ना छोड़ रहा जाहिल, शरीर बड़ा ले रहा तो ये समझ रहा तुझसे बड़ा कोई है ही ना पे। चिंता क्या बात होगी चाचा, किस बात की चिंता लिए पड़े हो? या तो बूझ या हो रही है चिंता, बतला बे क्या मसला? अरे पेट की चिंता हो रही है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। मैं बढ़ता रहा भैया मुझे भी नजर आ रहा, पर इसमें बतला हम क्या कर सके यार? अरे यार मुझे अपना बचपन याद आ रहा, जब मैं 15-16 साल का है ना, बहुत बढ़िया शरीर है मेरा। वहाँ टाइम की तो बात ही अलग ही, वहाँ टाइम तो हम भी जो 5-6 लाख की भीड़ में अलग ही दिखे रहे। ऐसा तो भैया जिस टाइम में मैं बचपने में आया ना, अपने महल्ले में सबसे खूबसूरत बच्चा था मैं। है बच्चों तेरा ध्यान किधर है, तेरा बाबा इधर है, तू है कल का कच्चा लेकिन दिल का बहुत है तू सच्चा। अरे बाबा यू है टेंशन में या कि बहू पड़ी है जच्चा?
मैं शर्म कर ले बुजुर्ग इंसान, रिश्ते में तू लगता है इसका चच्चा। राइमिंग मिला रहा है। तो मैंने भी तो चाचा राइमिंग मिलाई है। ए बाबा तुम अपनी दक्षिणा ले, नहीं तो ये दोनों तुम पागल कर देंगे। मैं तेरी दरिया दिल्ली से बहुत खुश हुआ बच्चे, तू कोई एक विश मांग, मैं तेरी विश पूरी करूंगा। ए बाबा सही पूरी कर दोगे? हाँ, कोई एक विश मांगेगा तो मैं जरूर पूरी करूंगा। भाई महाराज मैं तो तुम्हें से ये कहूंगा, आज सुबह से अपने बचपन को बहुत याद कर रहा, एक दफा इसे इसके बचपन में भेज दो तुम। ठीक है, अगर ये ऐसा चाहता है तो मैं इसे 15 मिनट के लिए इसके बचपन में जरूर भेज सकता हूँ। भाई बाबा जी अगर ऐसा हो सके है कि 15 मिनट को तुम भेज सको तो मोर खाली भी भेज दो, फिर हम ही कहा करेंगे हंस के, हम भी डोलियांगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तीनों चले जाओ, मैं तुम्हें एक अपना जादुई हथौड़ा देता हूँ, ये मुझे एसगार्ड के राजा ने दिया था। यह हथौड़ा एक फार्मूला बोलते ही तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ से तुम्हें बचपन में जाने का रास्ता मिलेगा। महाराज ये वाला फार्मूला बतलाओ। हाँ मैं फार्मूला बताता हूँ, इसको हाथ में लेकर तुम्हें बोलना है, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो फिर जाए न रब्बा, ये बोलते ही ये चालू हो जाएगा। भाई ये तो बढ़िया मसला। और जहाँ तुम्हें पहले फार्मूले के बाद में लेकर जाए वहाँ पर तुम्हें दूसरा फार्मूला बोलना है, वो दूसरा फार्मूला बोलने के बाद तुम्हें तुम्हारे बचपन में लेकर जाएगा ये, और तुम्हें वहाँ से वापस भी उसी फार्मूले के हिसाब से लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रखना, तीनों ध्यान रखना, अगर फार्मूले में कोई गलती लग गई तो तुम्हें दिक्कत बन सकती है। महाराज क्या है दूसरा फार्मूला वो तो बतलाओ। दूसरा फार्मूला सुनो, मैं नादान परिंदा छोटा सा, नी मैं काम धंधे सारे छड़ के तेरी वंग दाल ला नाप, मैंने घुमा दे मेरे बचपन में एक बारी, चाहे बदले में ले ले पनीर और चाप। बाबा जी फॉर्मूला तो थोड़ा बड़ा है पर होगा याद होगा, तुम जाओ पहुंचो। ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रखना है, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो फिर वो जाए न रब्बा। देख लियो मैं क्या देगा महाराज, मैं भजनी लाया, ये तो है भजन है चाचा, इसमें तो यार भजन है। और हाँ भजन है, और जो काम ना करेगा तो अपना सेव लेके खा लेंगे। अरे बाबा झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ ना होया। मैं भाई तो कोई बात ना, कुछ ना होएगा तो सेव खा लूंगा। अरे सेव तो बाद में खा लीजिए, पहले यहाँ पे फार्मूला तो आजमा। यो, 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 यो। फार्मूला तो चाचा आजमा लूंगा, पर बैठे बैठे क्यों आजमा रहे हो यार, खड़े हो जाओ फिर। यहाँ पे आ जाओ, खड़े होके बोल देता हूँ भाई आदमी, जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर जाए ना रब्बा। ए चाचा बचा ले यार, मुझे खींच कर ले जा रहा है ये। छोड़ खाली से छोड़। चाचा ना रुक रहा है ये तो यार, चाचा ना रुक रोक, रहा रोक, रोक, चाचा रोक। मैं ये क्या कर रहा, मेरे हाथ को मोड़ रहा है। ये तो जादू ही शक्ति है इसके अंदर। घेरा कौन बनाका था यो, 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 यो। मुझे लग रहा है महाराज जादुई शक्तियों का मालिक था। मुझे डर लग रहा था तब इससे। अरे यार खुद की हालत खराब है तो सच कह रहा दिख है बाबा। सच में ये तो मैं तो झूठ समझ रहा हूँ। तो ये तो मुझे लग रहा ले जाएगा हमें बचपन की यादों में। तो चाचा क्या करे, एक दफा फिर हो ही जाए है आदमी। चलो 15 मिनट में तो ना पता लग रहा किसी को। हाँ कहाँ दिक्कत है। फिर बोलो इससे क्या बोलना, मुहावरा। चले तो चाचा घूम आए बचपन में, अबे आदमी याद है ना फार्मूला, सही लगाइए फार्मूला, कभी जाहिल उल्टा सीधा बोल दर वहीं रह जाए। इधर को आजा मेरे बगल में को बैठ,
राजा एक संग शुरू करना एक संग पहुंचेंगे फिर है ना। मैं नादान परिंदा छोटा सा नी में काम धंधे सारे छड़ के तेरी बंदा ले ले नाप मैंने मेरा बचपन घुमा दे चाहे ले ले पनीर और चाप। अबे ताना तू मैं आदमी हूँ तू कौन है मैं थाली दो। हमको पहचानते हो या हम भी दे इंट्रोडक्शन। चाचा पहचान लिया तुम तो 15 मिनट का टाइम मिलाओ बे सब अपने अपने घर जाके झेड़ पेड़ मिल जाओ। ये तो उठ ही ना रहा चलो ना उठ रहा तो हरी दत्त तू घर जा का करेगा। अब तू जेब में सु पैसे ही तालने और कौम ही कहाँ आता है। है भाई खालिद हम है कहो वैसे हमें तो अपने घर के रास्ता की भी ना पता। ए चाचा हूँ 4-5 लोग बैठे चलो उनसे पूछन दे। चल चाचा बड़े तोते हैं हाँ तो। है भाई दोस्त। हाँ भाई बच्चों क्या बात है। बे भैया तुम सी जी दाए। बे भैया तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना। घर जाना घर। कौन थारा घर। अंधेल अंधेल को हम जाना है। अंधेल यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है तांगे से जाना पड़ेगा। 10-5 पैसा है किराए को। बजट करीब समझ रहे हो अपनी तनिया। देखिए रे उस्ताद जी पर बहुत पैसा। ए भाई तुम हमसु तो बहुत सवाल जवाब कर रहे हो न्यू बताओ तुम कौन हो। हमें सर यमो। मैं खालिद। ओ आदमी भाग। सर बैठ के कहाँ देख रहे हो इन पर पैसा है पकड़ो जो इन्हें। पकड़ो भाई। छोटा सा सारे ताम धंधे छर दे तेरी बंदा ले ले नाप मैंनु पहुंचा दे मेरे बचपन विच बदले में ले ले पनीर या चाप। अल्लाह तूना बंद आग अपनी वापसी वापसी तक घेरा इसे घेरे ने तो मुझे घेरा चाचा कहाँ रहेगा आदमी भी ना आया। मैं नादान परिंदा छोटा सा नी में सारे काम धंधे छड़ के तेरी वंगदा ले लेना अब मैंने मेरे बचपन में घुमा दे चाय ले ले बदले में पनीर और चाप। चाचा चाचा ये रहा आ गए चाचा तू खालिद मिट्ठी जान बची है भैया। खालिद तू भी मक्का आरब पूरा है पहले ही छोड़ कर भागी आयो हमें। देख ले चाचा करे बाबली बातों को ना करता जान बचा का भगता ना वहां से और क्या करता सरिया मार थे मार देता ना कोई सा सरिया वही खेल खत्म है यार मेरा तो। तुम्हें पता मेरा अब्बू बतलावे ये सरिया मार बहुत खतरनाक होते। मैं नादान परिंदा छोटा सा सर काम धंधे छोड़ के ले ले मेरी नाप मैनू पहुंचा दे मेरे बचपन में चाय बदले में ले ले पनीर और चाप। रे खालिद यू कहा आदमी जाहिल तू तो वहां का वही आगा 16 साल का उल्टा बाबू जा लगा फार्मूला गलत बोल दिया दिखा तू ना जाहिल। पता नहीं यार खालिद घबराहट में गलत फार्मूला बोल गया दिखे चाचा गलती करे पड़ा जाए पहले गोलाकार से बाहर निकल कभी फिर से वहीं पहुंच जाए यार। अब तू मुझे बोल का बतला तूने क्या फार्मूला बोला। नी मैं नादान परिंदा छोटा सा नी मैं सारे काम धंधे छोड़ तेरे पंग दे आया ले ले मेरी नाप चाहे बदले में ले ले पनीर और चाप। बस जाहिल नाप तेरी नहीं लेनी थी तुझे उसकी नाप लेनी थी। मैं बिकूप तो करगा उल्टा काम देख ले सीधी जो पनीर और चाप खिला रहा बचपन और जवानी का तो को तोड़ ही ना जब ही तो तू खड़ा 16 साल का ना 2023 में। भैया ये था मैं नादान परिंदा छोटा सा नी मैं काम धंधे सारे छड़ के तेरी वंगता ले ले नाप तेरी मेरी नाप नहीं तेरी नाप लेनी थी। अरे आदमी तू अब तो है ही जवानी में सूदा बालकपण में भी सूदा ये कताई।
अब क्या करूं यार खालिद। मैं भैया मेरे कहने से तू एक दफा इस हथौड़े से फिर से गुजारिश कर ले, ना जाने तुझे ले जा वहां पे। खालिद अभी एक दिक्कत और भी तो है, हथौड़ा यहाँ ले भी गया हो के तो अभी तो सरिया मार भी वही खड़े होंगे। मैं चाचा ये मसला भी बिल्कुल वाजिब कह रहे हो तुम, सरिया मार तो तैनात खड़े होंगे ना। अब यार खालिद कोई रास्ता बता। एक फिर देख लेना चाहे के, अगर कोई दिक्कत लगे तो उल्टा दियो कैलम कैल। भाई ये भी सही फरमा रहे हैं चाचा, एक दफा भैया हथौड़े के संग में फिर के मिन्नत करके देख ले, ना जाने इसको दया दृष्टि आ जाए तुझ पे कुछ, देख ले कह के फार्मूला इससे। मैं नादान परिंदा छोटा सा, नी मैं सारे काम धंधे छोड़ तेरे पंगदे आया लेने तेरी नाप, मैनू पहुंचा दे मेरे बचपन में, चाहे बदले में ले ले पनीर और चाप। यार खाली जी तो काम न कर रहा। मैं तो भैया मुझे लग रहा है इसके 15 मिनट जो पूरे हो गए, अब इसको चाचा रिचार्ज करवाना पड़ेगा दोबारा, तभी काम करेगा भैया। कोई डर ना चाचा, बाहर आ जा भैया, रिस्क सही ना है ना चाचा, संभाल इसको संभाल। यार खाली जी तो बहुत दिक्कत होगी, अब कैसे करें? अब तो जो ना वापस वह बाबा की तलाश करनी पड़ेगी, जब भी आएगा तू अपनी असली उम्र में। वैसे भी आदमी देख ला तुझे बचपना चाहिए था, मिल गया बचपना। अरे यार खालिद मजाक कर रहा, वो बड़े मेरे बालक हो रहे, कोई तरीको भी है? हाँ तो समझा लीजिए अपने बाल बच्चे ने, समझा देगा तू, जब हमें बाबा जी मिल जाएगा तेरे थोड़ा भी रिचार्ज करवा देंगे। चाचा मैं तो चल रहा हूँ तालाब में, जो कांटा पड़ा है देखूं कोई मछली फंस गई होगी तो, है ना, आदाब है मैं आदमी, चल रहा हूँ भैया। चाचा तुम तो कोई रास्ता बताओ। अब तो अपने घर के रास्ते की भी ना है पता, इतना बालक थोड़ी है तो अच्छे 15-16 साल का हो। चाचा मैं बाहर रास्ते नहीं पूछ रहा, यहाँ का रास्ता पूछ रहा हूँ। अच्छा यहाँ का रास्ता तो भैया महाराज ही बता सके, है ना बता सकूं। यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी, या तोड़ा का करूं या यहीं कहीं दुबका जाऊं, न बालक बेग बाग का खा जाऊंगे। हाँ दुबका तो मैंने अपने पापा से बात कर ली है, मेरे पापा मान गए, अब तू अपना फाइनल बता। मेरे का फाइनल होता, जब तेरे पापा मान गए तू भी मान गई तो मेरी ओर से फाइनल ही है, होन दो काम है। हम तो पहले ही माने हुए थे और अब भी माने पड़े हैं, लेकिन ये बता तेरे और तेरे पापा की कोई डिमांड तो नहीं है दहेज की, लेन देन की? अजी लेन देन का कहा मतलब है, हमारे ओर से कोई डिमांड ना हो जी, हम तो देखो वह सोच के आदमी है, जाने अपनी बेटी दे दी सब दे दियो, हमें ना चाहिए थारा कुछ भी। थैंक गॉड मैंने अच्छा लड़का चुना है। यह बात तो तू ही कह रही, हमारे पूरा गांव कहवे मोहल्ला कहवे मेरी अच्छा इनकी तो, पर मैं नु बूझ रहा चूल्हे पर रोटी वोटी बना ले तू? नहीं चूल्हे पे तो नहीं बनाती, लेकिन मुझे गैस पे आती है बनानी। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गैस तो है ही ना हमारे, हमारे का हमारे पूरे मोहल्ले में गैस ना, सबके चूल्हे पे ही बने, चूल्हे पे सीख लीजिए फिर और कहा करें। चल ठीक है मैं पापा को बोल दूंगी, वो गैस दिला देंगे। चलो यू तो होगा, अरे मैं पूछ रहा जैसा कि अब गर्मी पड़ेंगी तो गरम गरम सर है नल को पानी पीने में, वैसे तो मोट में धर दे, मोट में जो सेला हो जा वहा पी ले करोगी, कैसे करे करोगी? क्यों फ्रीज नहीं है तुम्हारे? अजी हमारा फ्रिज को कहा मतलब, हमारे तो पूरे मोहल्ले में फ्रिज ना, हमें तो जब प्यास लगे सेला पीना हो ना तो मोट में धरो रहे, सेला सेला लगे वही पी ले। चलो कोई नहीं मैं पापा को फ्रिज के लिए भी बोल दूंगी। मैनू कह रहा जी जैसे लत्ता पत्ता धो कर रहे हैं तो हम तो जो हमारे गांव की सरकारी नल है वहाँ पे जाके धो लें, या फिर थोड़ी दूर जाके सरकारी बिजली है वहाँ पे जाके धो लें, तो ऐसे धो ले करोगी ना लत्ता वत्ता? तो
क्यों वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? अरे हमारे वॉशिंग मशीन का कहा काम, हम तो गांव की सरकारी नल पे जाके धो लें और ज्यादा लत्ता इकट्ठे हो जाए तो गांव की सरकार बिजली धो लें, सबला मोहल्ला होई धोता रहे तो हाँ जी सा भी लगे। चलो ठीक है, मैं पापा से वॉशिंग मशीन के लिए भी बोल दूंगी। वैसे तो अब सबली समस्या सी हो ही आई, बस सोने की दिक्कत रहेगी। सांझ को जो है ना, जब हम सो गए तो हम पे तो वे पुराने लत्ता जो हो जाए फटे पुराने, उनकी दरी ना बनवा लें, गौम में हाँ बनाने दरी उनकी, उनके हमने दरी बनवा रखी है, उन्हें खाट पे बिछा के सो जा, हम सो जाओगी ना उन पे तो? क्यों बैठनी है घर में? अजी बेड को हमारा कहा मतलब, हमने तो बेड कभी वैसे भी ना देखो, लाइव जो देख लें फिल्म में ही देखो, मैंने तो कभी, हम तो दरिया बिछा के खाट पे भाई पे सो जा, बहुत बढ़िया नींद आवे। चल ठीक है, मैं पापा से बेड के लिए भी बोल दूंगी। रमन कौन है यू, किसके दौर बैठा? तू कहा ले भाई, कौन है तू? रे ढोर में आदमी हूँ। आदमी? देखने में तो तू हमें बालक लग रहा हो भाई। रे पागल, तेरा चाचा हूँ मैं। अच्छा जी, तू हमारा चाचा, तो बेटा हम भी तेरे पापा। बोलने की तमीज सीख ले, अगर एक गुस्सा लग गया ना चक्कर खा जाएगा। ऐसा ना जा बेटा, तू खुराक लेके ही जाएगा, तो काहे को बेशरम है। यही मार तो तुम्हारे भियान और है, बड्डे इन पे हाथ उठाओ। देख रही है आजकल के बालकन कितने बिगड़ रहे हैं, बोलने की जरा भी तमीज नहीं है, इनके माँ बाप भी नौसहूर सिखाते ही नहीं। अरे एक मैं वाकई पूछ रहा हूँ, फिर ब्याह की तेरी ओर पक्की है ना, ऐसा हो ना फिर हम भी पंडित बुला के तारीख और मुहूर्त निकलवा लेंगे, फिर कभी चिट्ठी उठी अल्लाह के थारे हो, तैयारी करनी पड़ेगी ना। यार मैं ये सोच रही हूँ तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ दहेज में ही देना पड़ेगा। ना ऐसा तो है गो, हमारे घर में सारा सामान, हमारे पांच छह खाट है और हमारे पीढ़ा है गो बैठने को, जब बीर बोनी आके बैठे हैं बाहर भीतर की, और हमारा टोकरा भी है गो न्यार गिरने को, अरे हमारा फावलो भी है गो खेत में मुहालो फेरने को, हमारा तसला भी है जहाँ गोबर गे रहे हैं, और हमारे फेस भी हैंगी गोबर करने को, और हमारा हाथ की चाखी भी है नाच पीसने को, और हमारा शौचालय भी है गो खा पी के तसल्ली से बैठने को। यार मैं ना शादी की सोच के बताऊंगी। तो आम कोई दिक्कत ना, सोच विचार कर लो अच्छे, ये काम जल्दबाजी के हैं भी ना, अपने दो चार रिश्तेदार ने दिखाती हो तो दिखा लीजिए, हम तो तैयार बैठे हैं, मल्लू का ही मत कोई दिक्कत ही ना किन्ने सुई, बाकी हमारे जो गेहूँ भी कटेंगे तो ये हमारा हमें भी टाइम ना मिलेगा, ले ला खूब टाइम तसल्ली से करियो, तो हमें भी चार पैसा खर्च करने पड़ेंगे ब्याह में, हमारे गेहूँ बिक जाएंगे तो बैंड बाजे का सहारा लगेगा। अच्छा ठीक है, चल मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू फिर का दिन है। हेलो मम्मी, वो जो मेरठ से आ रहे थे ना रिश्ते के लिए, उन्हें आप बुला लो। रोटी बेटा, तो है कौन बेटा? बेटा बता रही, आदमी हूँ मैं। आदमी? देखने में तो बेटा तू बालक सा लग रहा है। इरी पागल, मैं तेरा हस्बैंड हूँ, आदमी। अच्छा, मेरे आदमी जैसे कपड़े पहन के मुझे पागल समझ रहा है, किसका है तू? अपने बाप का नाम बता, उससे शिकायत करूंगी तेरी। इरे मेरे बाप तो श्री व्यक्ति सिंह है। व्यक्ति सिंह? व्यक्ति सिंह तो मेरे ससुर का नाम है। इरी पागल, मैं आदमी तो हूँ।
रुक जा, तू ऐसे ना मानेगा। यार चाचा, आदमी के तो मजे आ गए अगर एक तरह से देखा जाए तो। वो कैसे? 16 साल का बच्चा ना बन गया। देखो एक दफा उसने 45 साल तक की उम्र अपनी जी ली, खूब मजा काटा आदमी ने, काम धंधा ना करा, हराम की तोड़ियां जाहिल ने, और अब फिर से बच्चा बन गया, रहा बढ़िया ना। सही कह रहा हो खालिद, यू मौका तो हम पे भी हो, हम भी कर सके या काम है तो फॉर्मूला ही तो उल्टा सीधा बोलना है बस। इकलगा चाचा मौका इकलगा हाथ से, पर चाचा एक तरह मौका अब भी बन सकता, अगर आदमी उस महाराज को खोज निकाले और महाराज उस जादुई हथौड़े को फिर से रिचार्ज कर दे तो हम बचपने में फिर से जा सकते हैं, है ना, और फार्मूले के साथ हेरा फेरी करके अपने बचपने को ले आएंगे इस जमाने में भी। अच्छा खालिद, अगर ऐसा हो जावे फिर कहते हमें बचपना मिल जावे तो ऐसा क्या है जा तू बदलना चाहवे वो? बस चाचा मैं तो एक ही है, मेरी जिंदगी में जो परेशानी देती है मुझे उसे ही बदलना चाहूंगा, रुखसाना से निकाना करने का। फिर किसने करेगा था? चाचा है मेरी नजर में एक, मेरी नजर का नजराना शबनम, उससे निकाह करूंगा। चाचा ओ चाचा, यार खालिद अच्छा हुआ तू भी आई मिल गो, मेरी गैल तो अपराध हो रहे हैं। मैं क्यों हापराज जिनावर, पहले बैठ गया, तसल्ली से बैठ के बतला क्या मसला। यार खालिद मेरी गैल बहुत नाइंसाफी हो रही है, पहले तो चाचा के पोते ना बजायो, फिर मेरी बहू ना झाड़ू चला दी। भाई चाचा देख रहे हो है, आदमी को अकेला समझ रहे हो गए तुम और तुम्हारा पोता, बालक मत समझ गया इसको, इसके संग खड़ा खालिद आज भी, शर्म ना उसके इतने बड़े को चाटे चला रहा है वो। कोई बात ना बालक समझ ली है, कोई दिक्कत ना, गलत फहमी होगी है, चल ले हम चल, पहले वहाँ बाद में देखेंगे, अब पहले यार बहू ने भी तो बजाया हुआ हमें, बात सुन निपटेंगे पहले चल। ना भाभी औरत की भी गलत बात है, हम तो कहेंगे चल भैया, पिटने लायक थोड़ी है ये। भाभी औरत को भी जो शर्म ना, इतने दिन तक किसी ने खिलाया पिलाया सब भूल गई है, गैरत ना आती है जनानी। आगे जो चलो चाचा, डर रहे हो यार चाचा, जरूर कोई गलत फहमी हुई है मुझे जो लग रहा, वरना भाभी औरत ऐसी ना यार दुर्व्यवहार ना करती है, लग रहा हो भी ऐसा ही कुछ। ती बढ़िया जनानी है यार, ऐसे कैसे हो जाएगा, नुका जी झाड़ू चला दी अपने हस्बैंड पे है, ये तो हमसे और तुमसे भी ज्यादा जाती हो रही है चाचा। फिर आज से पहले ऐसा हुआ कभी कोई? आवाज मारो तुम, बुलाओ बेटा औरत है का? आ जाओ चाचा, आ जाओ बैठो चाचा बैठो, बैठ आदमी बैठ यार, तेरा ही घर है, तू कहाँ पीछे को हट रहा, बैठ जाओ भाभी औरत, तुम भी कब तक खड़ी रहोगे, बैठो। चाचा ये बदतमीज बालक को कैसे गैल लगाए डोलो तुम, किसका है ये? अरे यू गैर ना कोई, अपना ही आई है तो चाचा बहुत बदतमीज यू। देखिए भाभी औरत आप नाराज मत होइए, ये मसला थोड़ा ऐसा चल रहा जो आपकी समझ में ना आने का। बताओ भैया खालिद, बताओगे तो सब समझ में आ जाएगा। जिसको आप भाभी औरत बच्चा समझ रही हो, बालक समझ रही हो छोटा सा, वो दरअसल बालक नहीं है, पूरा आदमी है। हम तीनों दरअसल 15 मिनट के लिए अपने बचपने में गए थे एक जादुई हथौड़े की मदद से, लेकिन वहां पे जाने के बाद आदमी अपना फार्मूला भूलकर लौट देते हैं, इसलिए दिक्कत बन गई है, वैसे तो ये आदमी है तुम्हारा वाला ही। अच्छा थारे हिसाब से यू बालक ना है, मेरा आदमी है। देख लिया बे जाहिल, देख लिया ना, हांग गई भाभी औरत ना हांग गई, इनोखा आदमी है तू, मेरे कहने से हांग गई देख ले। अब तो न मारेगी मो? आजी अब काहे को मारेगी, हाथ भी न लगावे अब तो। बे बेकूफ तू, भाभी औरत को छोटी बच्ची जानना, जब बात को ना समझेगी और तेरे संग मार पीट करेगी। ना समझ रही भैया, भाग लो यार। अरे भाग,
राम जी, तो अगर आपके पास भी कोई ओपिनियन है तो उसको सोशल मीडिया पे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मत दीजिए। वीडियो के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्रोबो ऐप को डाउनलोड कीजिए वहाँ से और वेलकम बोनस पाइए 25 रुपये का। और कैसी लगी आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बात और कहनी थी आप सभी से, जितने भी हमारे जो भाई हैं बहन हैं चाचा चाची जितने भी जो भी हैं गांव में जो रहते हैं वो सभी वीडियोज़ को बहुत प्यार दे रहे हैं गाँवों में, और शहरी लोग अभी जो देख नहीं पा रहे हैं वीडियोज़ को, तो आपसे यही विनती है कि उन तक भी वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाएं। जैसे आप खुद हंस रहे हैं वीडियोस देख देख के, उनको भी दिखाइए, वे भी हंस सकें, ताकि और हमारे जो देसी कल्चर है गांव के, मतलब ये गांव का जो माहौल है अपना ढो डंगर हैं ये पेड़ पौधे हैं उनको महसूस कर सकें। तो यही आपसे विनती है, ऐसी सपोर्ट करते रहो जैसे अभी तक करते आए हो। और मेरी इंस्टा की आईडी यहीं कहीं आसपास ही है मोहित एमजे भाटी के नाम से, और अमन भाई की है दी अमन भाटी के नाम से, यहीं दे रखी होंगी कहीं। हमको इंस्टा पर भी जाके फॉलो करो, वहाँ पे भी हम छोटी छोटी रील डालते हैं तो आपके मनोरंजन के लिए, उनको भी देखें और हमें फॉलो करें, ऐसी सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए राम राम जी।